मंदिर, नीतीश कुमार, मुस्लिम मंत्री और मंदिर के बाहर लगा एक नोटिस बोर्ड। ये है विवाद की पूरी कहानी। बिहार में विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू के प्रवेश को लेकर अब मामला तूल पकड़ चुका है। हिंदू परिषद से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कहानी कुछ ऐसी है कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के गया के विष्णुपद मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इस वक्त उनके साथ तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन उसी बीच एक और खास चेहरा था और वो चेहरा था इसराइल मंसूरी का, जो कि बिहार के मंत्री हैं। इसराइल मंसूरी मुसलमान हैं और इस मंदिर में सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, जैसा कि आप मंदिर के बाहर लगे इस नोटिस बोर्ड पर देख सकते हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार अपने साथ कैबिनेट मंत्री इसराइल मंसूरी को लेकर गए, जिसके बाद हंगामा मच गया। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार पहली बार विष्णुपद मंदिर गए और इससे पहले भी वो मंदिर जाते रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये तस्वीर मीडिया में आई और जैसे ही इस खबर ने तूल पकड़ा, नीतीश कुमार निशाने पर आ गए। मेरा संयोग है, सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग की है। कहा है कि नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी को मंदिर में एंट्री कराई। कल जिस प्रकार से हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इतिहास में पहली बार विष्णुपद मंदिर में जानबूझकर नीतीश कुमार इसराइल मंसूरी को लेकर घुसते हैं और हिंदू समाज का अपमानित करने का काम करने में माननीय मुख्यमंत्री सदैव बहुत उन्हें पसंद आता है। वह वर्षों से गया जाते रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि विष्णुपद मंदिर में कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं घुस सकता है। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया है, बल्कि जो सामाजिक ताना बाना है उसको भी तोड़ने का काम किया है। मेरा स्पष्ट उनसे प्रश्न है, मक्का में क्या नीतीश कुमार जी जाएंगे अपना सांप्रदायिक सद्भाव दिखाने के लिए? इस तरह की घटनाएं करना जानबूझकर हिंदुओं को अपमानित करने का है। जिस प्रकार मवेशी पकड़े जाते हैं बांग्लादेश जाते हुए, हिंदुओं पर केस होता है और हम प्रश्न करते हैं तो बुरा लगता है। कल उन्होंने जो किया है उसके लिए नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इसी बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी हिंदुओं के मंदिर को अपवित्र करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिरों को सीएम नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों के द्वारा अपवित्र किया जा रहा है। गया के विष्णुपद मंदिर में जो आज मुख्यमंत्री जी गए थे और उनके साथ इसराइल मंसूरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो भी उस मंदिर में गए थे। वो मंदिर को विधर्मियों के द्वारा अपमानित किया गया है। मंदिर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं प्रवेश कर सकते हैं। करोड़ों सनातनी और हिंदुओं के साथ मुख्यमंत्री जी ने उनके भावना को आहत किया है, उनको उनके भावना को अपमानित किया है। अविलंब मुख्यमंत्री जी इस पर माफी मांगे और उस मंदिर को अविलंब शुद्धिकरण किया जाए और ऐसे मंत्री जो लिखा हुआ था कि दूसरे धर्म के लोग नहीं जा सकते हैं, मंसूरी जी गए हैं, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। मंदिर में मुसलमान मंत्री के साथ पूजा पाठ को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो नीतीश कुमार के ठीक पीछे आपको खड़े दिखाई देंगे इसराइल मंसूरी। लेकिन सवाल ये है कि इसराइल मंसूरी इस मंदिर में गए क्यों थे? क्योंकि जिस वक्त नीतीश कुमार पूजा अर्चना कर रहे थे, उस वक्त तमाम लोग जो वहां मौजूद थे वो हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन इसराइल मंसूरी इधर उधर ताका झाकी कर रहे थे। इतना ही नहीं, इसराइल मंसूरी ने हाथ भी नहीं जोड़ रखा था। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसी तस्वीर को लेकर बीजेपी की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार जब इसराइल मंसूरी वहां पूजा प्रार्थना के लिए गए ही नहीं थे तो उनका वहां क्या काम था। हालांकि इन सब के बीच हम के दानिश रिजवान का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। गया के मंदिर में स्थानीय प्रभारी मंत्री इसराइल मंसूरी साहब के
प्रवेश को लेकर के जिस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बकलोल जी का बयान आया है वो अपने आप में हास्यपद है। हिंदू धर्म सनातन धर्म स्पष्ट तरीके से कहता है कि सभी मानव एक हैं, सब एक साथ रह सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करके उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। कुछ लोगों को ये लगता है कि बिहार में जिस तरीके से सामाजिक एकता है उसको बिगाड़ दे तो मैं हरिभूषण ठाकुर टाइप बकलोल लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपकी ये जो जहरीली बयानबाजी है ना, ये बिहार के सीमा के बाहर ही चले तो अच्छा है। अगर बिहार में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करिएगा तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण लोग करने वाले लोगों की जगह बिहार का जेल है। बिहार में ऐसे खुले सांड नहीं घूम सकते हैं जो सूबे को सांप्रदायिक जहर के अंदर खोलने की कोशिश करें। आपको बता दें, गया के इस विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदुओं को जाने की मनाही है और ये परंपरा यहाँ सालों से चली आ रही है। इस परंपरा को नीतीश कुमार ने तोड़ा तो अब नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।